आईटी इंडस्ट्री में इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में ज्यादा करके इंग्लिश कॉर्पोरेट कल्चर आता है, ठीक है, तभी लोग सारे इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आपको भी इंग्लिश बात करना आता है तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से रोल में काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कस्टमर फेसिंग रोल में हो तो तभी आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो या फिर कोई भी दूसरा कस्टमर फेसिंग रोल है, लेट्स टेक माय एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैं मेरे दिन में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बात करता हूँ, ठीक है, अगर तभी मुझे इंग्लिश नहीं आती तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जब इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं प्रॉब्लम फेस करूंगा। दैट इज द रीजन जो कस्टमर फेसिंग रोल्स है, अगर उसमें आपको जाना है, अगर उसमें आपको काम करना है, तभी आपको इंग्लिश आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कस्टमर फेसिंग रोल में नहीं जाना चाहते, अगर आप दूसरे रोल सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जो टेक्निकल रोल्स है जिसमें आपको कस्टमर फेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, तभी जाके इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, इंग्लिश इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऐसे रोल्स में आपको ज़्यादा करके टेक्निकल काम करना पड़ेगा, आप बैठ के कोडिंग करने वाले हो, आप कस्टमर के साथ बात नहीं करने वाले हो, ठीक है, तो आपका ज़्यादा करके टेक्निकल के ऊपर पूरा जॉब रोल आ जाता है, ठीक है। अगर आपके टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग है तो जरूर आपको वहां पे इंपॉर्टेंट ज्यादा टेक्निकल स्किल्स है देन द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड यस, आईटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विदाउट इंग्लिश सर्वाइव करा है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है तो आप आईटी में सर्वाइव कर जाते हो अगर आप टेक्निकल रोल में काम करते हो। बट यस, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी कस्टमर फेसिंग रोल्स, बीए, सेल्स वगैरह का रोल, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाने वाली है और तभी जाके इंग्लिश इज मैंडेटरी। अगर आपको कस्टमर फेसिंग रोल बिजनेस एनालिस्ट जो है, जैसे कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, और अगर आपको ये रोल में जाना है, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में इन डेप्थ जानना है, तो मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बना के रखे हैं जिनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ज़रूर जाकर चेकआउट करना, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग रोल है इन आईटी इंडस्ट्री। अभी इंग्लिश मैंडेटरी है या नहीं है ये एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी, ठीक है, कौन से कंपनी में आप काम करते हो। अगर आपकी कंपनी जो है वो ज़्यादा हिंदी सेंट्रिक है, ठीक है, अगर उसमें हिंदी में ज़्यादा लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली हिंदी विल वर्क देयर। बट अगर आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, सच एज अगर आप कोई भी बड़े कंसल्टिंग फर्म जैसे मिकिन्सी, डेलॉयट वगैरह में काम करते हो, तो वहाँ पे हिंदी से काम नहीं होने वाला, हिंदी काफ़ी रेयरली लोग बोलेंगे, ठीक है, तो तभी जाके इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंग्लिश मैंडेटरी बन जाता है। सो आई होप अभी ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल गया कि इंग्लिश कभी मैंडेटरी है एंड कभी नहीं है मैंडेटरी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो और वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपको करियर के बारे में कुछ और डिफिकल्टीज है, अगर आपको मुझसे बात करना है, करियर काउंसलिंग चाहिए, तो जरूर वो भी हो सकता है, आप टॉपेट पे आपका स्लॉट बुक कर सकते हो, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू डिस्कस योर करियर डिफिकल्टीज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।